जय बोले की भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। भाई आप लोगों को बता दूँ, मैं अभी हरिद्वार के अंदर हूँ और कल का है गंगा दशहरा, जो 24 घंटे का मुहूर्त है गंगा स्नान का। तो आप लोगों को बता दूँ पहले ही कि भाई जो भाई यहाँ आ रहे हैं तो भाई वो ज़रा सोच समझ के आए, क्योंकि यहाँ पर धर्मशाला और होटल्स नहीं हैं, स्पेस नहीं, खाली नहीं है, बिल्कुल भर चुके हैं। और जो भी हैं खाली, नॉन एसी भी बता दूँ भाई, और एसी भी 2500 रुपये से कम कोई रूम नहीं है भाई। यहाँ तक कि अगर आप धर्मशालाओं के अंदर भी जाते हो तो 1000-1500-2000 रुपये मैक्सिमम है। मैं अपनी बता देता हूँ, जिस होटल में मैं काफ़ी टाइम से रुकता था वहाँ 1000 रुपये पे करता था, आज 3000 रुपये भाई वहाँ पे, जिनका जबकि मैं उनका रेगुलर कस्टमर था, तो भी ये हाल है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, जो भाई आ रहे हैं वो इस चीज़ को सोच के आएँ कि आप लोगों को, अगर आप लोगों का बजट ज़्यादा है तो आप इस टाइम पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं, वरना आपको बाहर ही रुकना होगा। धर्मशालाएं महंगी हो गई हैं, और जो भाई ये कहते हैं ना कि 200 रुपये की 300 रुपये बहुत सस्ती धर्मशाला है, उन सभी धर्मशालाओं के रेट बढ़ चुके हैं भाई। ये बता दूं उन लोगों को जो टॉप 5 टॉप 10 करके हरिद्वार की सबसे सस्ती धर्मशाला डालते हैं, वो भाई एक बार विजिट करके देखे आज कि वहाँ पर क्या रेट कर रखा है इन लोगों ने। 500 रुपये वाले रूम जो थे उनके 2500 कर रखे हैं, 1000 वालों के 3500 कर रखे हैं, और ये रेट तो अभी है, सुबह 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे। तो भाई मैं आप लोगों के ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पर भीड़ कितनी है। तो भाई अभी आप देख लीजिए, अभी भीड़ बढ़ने लगी है और बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ बढ़ने वाली है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होगी। ये देखिए, अभी देखिए, और जबकि मैं आपको बता दूं मैं गऊ घाट पे हूं भाई अभी, और हर की पौड़ी पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो अभी के टाइम में। और आज है 8 तारीख, 8 जून की ये वीडियो है भाइयों, 8 जून को इतनी भीड़ है इस घाट पे, तो आप अंदाज़ा ला लो तो हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ होगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी भाई। देखिए भाई, तो भाई कमेंट करके बताओ, जो जो भाई हरिद्वार आ रहा है और जिन भाइयों को कमरा लेने में या लॉज लेने में, होटल लेने में या फिर धर्मशाला लेने में ये दिक्कत आई है कि उन्हें रेट बढ़े हुए मिले हैं, जिस रेट में वो पहले रुकते थे उसके 3 से 4 गुना रेट बढ़े हुए हैं, जिन भाई के साथ ऐसा हुआ है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कांवड़ यात्रा से पहले गंगा स्नान पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कमरों के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय भोलेनाथ।